सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। थंबनेल देखकर तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। दोस्तों, मुझे काफ़ी समय से बहुत सारे बंदों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिसकी मदद से हम अपना ब्लड कलर इफेक्ट चेंज कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो अपना BGMI में ब्लड कलर इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद, यानी कि जिसे फॉलो करने के बाद आपके ये ब्लड कलर इफेक्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप जैसा चाहें वैसा ब्लड कलर इफेक्ट ले सकते हैं। नहीं मानता। अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लू कलर ब्लड इफेक्ट लेना है या फिर रेड कलर इफेक्ट लेना है या फिर और भी दूसरा कोई कलर्स लेना है दोस्तों, तो ये वाली ट्रिक 100% वर्किंग करेगी। तो जिसने भी अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आगे और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस लाते रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में ले जा करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास पहले कौन कौन से ब्लड कलर इफेक्ट्स थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद ग्राफिक्स एंड ऑडियो वाले में आ जाना है, और उसके बाद ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा इफेक्ट्स वाला, तो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। और इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहे हैं, यानी कि ऊपर जो दिख रहा है ये हीट कलर दोस्तों, ये जब आप सामने वाले बंदे को हीट करोगे, सामने वाले बंदे को डैमेज दोगे तो वो वाला कलर इफेक्ट शो हो रहा है। और जो नीचे कलर शो रहा है दोस्तों, ये वाला जो कलर है ये डैमेज कलर, यानी कि जब सामने वाला एनिमी आपको हीट करेगा तो आपका जो ब्लड कलर इफेक्ट है वो ऐसा शो होगा। तो यहाँ से आप दोनों टाइप के ब्लड कलर इफेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, मेरे पास भी पहले तीन ही कलर में ब्लड कलर इफेक्ट्स अवेलेबल थे। BGMI की तरफ से पहले तीन ही कलर के ब्लड इफेक्ट्स आए थे मेरे डिवाइस में। उसके बाद दोस्तों मुझे एक ट्रिक के बारे में पता चला जिसे अप्लाई करने के बाद अब मेरे BGMI में मेरा जो ब्लड कलर इफेक्ट है गेम प्ले का, वो रेड कलर का है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो दोस्तों, ये कौन सी ट्रिक है जिसे अप्लाई करने के बाद आप सबके डिवाइस में भी आपके बंदे का भी ब्लड कलर इफेक्ट रेड हो जाएगा, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, ये मैं आप सभी को ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, पहले मैंने खुद ये ट्रिक अप्लाई किया और जब मेरे डिवाइस में रेड कलर का ब्लड इफेक्ट आ गया, उसके बाद मैंने ट्रिक अपने फ्रेंड्स को बताया, फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी सेम ट्रिक फॉलो किया और उनके डिवाइस में भी रेड कलर का ब्लड इफेक्ट आ गया दोस्तों। क्या बात है सर। और अब मैं दोस्तों आप सभी को शो कर देता हूँ कि हमारे BGMI ID में सच में रेड कलर का ब्लड इफेक्ट है या नहीं है। अब काफ़ी सारे बंदों को ये लग रहा होगा कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को शो कर दूंगा कि हमारे BGMI ID में सच में रेड कलर का ब्लड इफेक्ट आया है या नहीं आया है। और अगर रेड कलर का ब्लड इफेक्ट आया है तो ये कौन सी ट्रिक फॉलो करने से आया है, और आप सभी रेड कलर का ब्लड इफेक्ट या फिर दूसरा किसी भी कलर का ब्लड इफेक्ट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले चलता हूँ आप सभी को BGMI के सेटिंग में, और BGMI के सेटिंग में आने के बाद ग्राफिक्स एंड ऑडियो पर टैप कर देना है। अब इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर हमने टैप कर दिया, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास चार कलर का ब्लड इफेक्ट है। यानी कि दोस्तों जब कोई हमें बंदा हिट करेगा तो उसके लिए हमें चार ऑप्शन से, चार कलर ऑप्शन से, और अगर कोई बंदा हमें डैमेज देता है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास तीन कलर ऑप्शन से। तो दोस्तों मेरा जो फेवरेट कलर है वो है रेड, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर ब्लड इफेक्ट ऐड किया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ तीन ही ब्लड कलर इफेक्ट्स अवेलेबल थे, बट अब यहाँ पर रेड कलर ब्लड इफेक्ट भी ऐड हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे फॉलो करने के बाद, जिसे अप्लाई करने के बाद आप सबके BGMI ID में भी ऐसे रेड कलर या फिर और भी दूसरे कलर के ब्लड इफेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाना है लॉबी में, और लॉबी में आने के बाद यहाँ पर राइट साइड में डाउन साइड नीचे एक एरो शो हो रहा है, तो इस एरो पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट वाला। तो दोस्तों आपको इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है। जो भी मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को एज इट इज सेम टू सेम कॉपी करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है आई डोंट वांट येलो कलर। अब यहाँ पे दोस्तों आप येलो की जगह कोई और कलर भी लिख सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि जो कलर आपके पास पहले से ही है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आई डोंट वांट येलो कलर,
रिप्लेस इट बाय रेड कलर। अब यहाँ पे रेड कलर की जगह पे आपको जो कलर चाहिए वो कलर का नाम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइप किया आई डोंट वांट येलो कलर रिप्लेस इट बाय रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज माई फेवरेट कलर। अब यहाँ पे आपको एक कुछ भी रीज़न दे देना है कि आप ब्लड कलर इफेक्ट चेंज क्यों करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि मेरा रेड कलर फेवरेट है इसलिए मुझे रेड कलर ब्लड इफेक्ट चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है आई डोंट वांट येलो कलर रिप्लेस इट बाय रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज माई फेवरेट कलर आई होप यू विल रिप्लेस इट सून। तो दोस्तों ये जो पूरा मैसेज है ये मैसेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अब पूरा मैसेज टाइप करने के बाद टिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और टिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जब टिक का निशान हो जाएगा उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो मैसेज है दोस्तों वो BGMI टीम मेंबर्स को जाएगा। BGMI टीम मेंबर्स इसको रीड करेगी, इस पर प्रोसेस करेगी, और ये प्रोसेस में 6 से 7 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो 1 वीक लगने के बाद आपके डिवाइस में न्यू ब्लड कलर इफेक्ट ऐड हो जाएगा।